and later decided to embrace acupuncture. Presenting the man who brought revolution in the field of acupuncture, H.R. Santosh Kande. It is all yours. Thank you. Thank you, Dr. Jubair and Huda, for giving me such a wonderful introduction and all. And आज का दिन सचमुच मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है. सिंस जब से हमने क्लिनिक स्टार्ट किया, हमने कभी कभी कहीं भी कोई इस तरह का मतलब आयोजन नहीं किया, कभी समायोजन नहीं किया. सो दिस इज़ वेरी वेरी फर्स्ट टाइम फॉर मी एंड वेरी थैंक्स टू ऑल माई टीम हेल्प मी सो मच टू बी हियर. और बहुत सारे हमारे मैं बोल सकता हूँ जो पहले पेशेंट बने, बाद में भी इस तरह से रिश्ता है कि जिनको मैंने बुलाया तो कभी 3:30 के बजाय 2:30 भी आए, पूछे मैं जल्दी पहुँच गया हूँ तो कहाँ बैठे. तो रियली रियली थैंक्स टू माय मदर पुष्पा और शेखर मैम फॉर कमिंग सो अर्ली एंड इट्स रियली यू नो आई फील सो दिस थिंग एंड रियली लिटिल नर्वस ऑल्सो बिकॉज दिस इज फर्स्ट टाइम. सो धन्यवाद है आप सभी लोगों का. एंड आज मेरा दिन जो शुरुआत हुआ इस तरह से, जिस जो भी तरह से जो जर्नी रही है मेरी, जिसको हमने जर्नी मेरी टीम ने नाम दिया है, दिस इज सचमच आई से दिस इज अमेजिंग फॉर मी. एंड लिटिल आई कैन से कि मुझे इस तरह से बोलना आसान नहीं है जो मैं यहाँ पे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ. जो चीज़ें हैं, जो चीज़ हमने स्टार्ट किया, जो हमारा कार्य क्षेत्र है, तो मेरी इस जर्नी में आई वुड से फर्स्ट मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने मुझे मेरे ऊपर बहुत भरोसा किया. जहाँ से भी मैं शुरू करता था, जो भी करता था, उनका हमेशा मुझे सहयोग मिला है. मेरी शादी हुई तब तक मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है, मतलब ये फील्ड ऐसा था, नया था. अगर मैं किसी को बताता तो मैं क्या बताता, तो उस समय के लिए मेरे लिए बहुत नई चीज़ थी. तो मैं जब किसी को बोलूँ कि मैं एक्यूप्रेशर एक किताब की वजह से मैं यहाँ पे हूँ, आपका एक बहुत सुभाष दांडेकर सर को पता है, उस बुक पे हमारी बहुत सारी डिस्कशन भी होती है, योर हेल्थ इन योर हैंड. उस किताब को मैंने जब मैं 16-17 साल का रहा हुआ तभी पढ़ा था, लेकिन मुझे कभी उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं रहा, वो जानकारी नहीं थी, क्योंकि मैं यूपी में था. अगर किसी को बताऊँ कि एक पॉइंट दबाऊंगा और पेशेंट ठीक हो जाएगा, तो कभी किसी को भरोसा नहीं होता. आई केप्ट दैट बुक टिल 2001 व्हेन आई वाज इन दिल्ली. आई वेंट फॉर माय एएनसी ऑफ ऑल इंडिया नेचर केयर फेडरेशन से मुझे 3 साल का डिप्लोमा कोर्स करना था. तो जब मैं दिल्ली आया तो वहाँ पर मैंने छोटा सा काम शुरू किया, बहुत अच्छा सक्सेस मिलने लगा. उसके बाद फिर गाँव गया, फिर मेरी शादी हो गई. शादी होने के बाद फिर जब भी वाइफ घर पे आ गई, 2-3 महीना 4 महीना रहा, तो ये लगने लगा कि अभी क्या करना है, कैसे करना है, कुछ आइडिया नहीं था. शुरू में मुझे पिताजी ने मेरा BMS में एडमिशन कराया और मेडिकल कोर्स, बट समहाउ आई डिडंट लाइक दैट, मुझे उस तरह से फीलिंग नहीं आई. इस नाते मैंने बीच में बोला नहीं मैं नहीं करूँगा और आई डिड सिंपल ग्रेजुएशन एंड देन आई लेफ्ट फॉर मुंबई विदाउट नोइंग एनीथिंग. थैंक्स टू माई डियर फ्रेंड हियर विश्वकर्मा जी और विंद्रे जी, हैव टू थैंक हिम. ही इज अ वेरी गुड कारपेंटर एंड ही ब्रॉट मी हियर. आई स्टेड विद हिम ऑलमोस्ट 6 months. एंड बिलीव मी तभी कोर्सेज भी उतने नहीं थे उस जमाने में. मैंने जब शुरू किया 2001 में, बहुत गिने चुने लोग एक्यूप्रेशर सीखते थे या सिखाते थे. तो मैं इनसे डिस्कस करता था, बोलता था कि मैं ये सीखने जा रहा हूँ, तो बोलते थे कुछ और सीख लो, पता नहीं क्या होगा, मालूम नहीं होता है. मैं बोला नहीं, मुझे धीरे धीरे करके शुरू करना है. आई स्टार्टेड, बिलीव मी उस समय पैसे नहीं होते थे, तो 200-400 रुपये की जरूरत होती थी, ही यूज्ड टू गिव मी. तो दिस इज दैट डे, टुडे इज दैट डे टू एक्नॉलेज ऑल दिस पीपल जिनकी वजह से आज सेलमैन सेलमैन हो गया. सो उसके बाद हमारे मित्र बैठे हैं प्रसाद जी यहाँ पे, और जब ही शुरुआत करी वहाँ से, तो मैंने बोला यार एक ही दिन पढ़ने जाना होता है, रोज रोज पढ़ाई नहीं होती है, तो कुछ कमाई का कुछ साधन बताओ. सो ही इज माई फर्स्ट यू नो गुरु ऑफ बिजनेस. ही टॉट मी हाउ टू सेल एनीथिंग एंड ही टॉट मी selling finials in the streets. So I used to stay in Kholi from that time. So he introduced me to the business. Din bhar mein I used to use imandari se 200 rupees. And it was fantastic. 200 rupees kama ke jo khushi milti thi, aur aaj main 2 lakh rupees bhi din ka kamata hu to main milti. So really thankful to you all. Yahan pe hamare ek aur bhai jaise mitra baithe hain, Mujaram Chaudhary. Inhone us time pe mere naam pe Kholi kar di, to mere paas kuch bhi nahi tha.
though अभी मुझे वो flat मिल गया, flat मैंने उनको वापस कर दिया. So again all the paper documentation की जरूरत होती है, वो नहीं होता है आपके पास. बम्बई आप आते हो तो काम करते हो सालों साल, बट आपके पास पेपर नहीं बन पाते. आपको एक राशन कार्ड नहीं मिलता, आपको एक कुछ को मतलब जो भी आपको जरूरत होती है. क्योंकि मैं लोगों को देख रहा हूँ, अब मैं लोगों को बताता हूँ कि आपको सबसे पहले क्या क्या जरूरी होता है डॉक्यूमेंटेशन की. सारे पेपर्स मेरे उनके एड्रेस पे, अभी तक भी उनके एड्रेस पे मेरा काम चलता है काफ़ी हद तक. देन आफ्टर दैट आई लर्न योगा. आई स्टार्टेड टीचिंग लॉट्स ऑफ पीपल. बहुत सारे मतलब मेरे योगा शिष्य हैं अभी, मेरे फ्रेंड हैं. अभी मिस्टर मुकेश तिलानी कहीं लेट हो गए हैं, इज नॉट हियर. उनकी वाइफ बैठी है और अभी जिसने और उनको इंट्रोड्यूस किया था वो भी आ ही रहे होंगे. सो आई स्टार्टेड टीचिंग योगा मुकेश एंड रश्मि एंड ऑल और वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइंड. अभी हमारे बिजनेस में पार्टनर भी हैं. बहुत बहुत धन्यवाद है जिनकी वजह से एक्चुअली मैं आज ऐसा फील करता हूँ कि मेरी जिंदगी में जो इनका योगदान है वो शायद ये जन्म में बुलाया नहीं जा सके. सो आई वुड लाइक टू जस्ट क्लैप फॉर देम. आज इज वेरी ग्रेट पीपल टू माई लाइफ एंड देन जर्नी स्टार्टेड एज अ नेटिव रेसलिस्ट एंड नेटिव कॉन्शियस. सो आई स्टार्टेड लर्निंग. आई स्टार्टेड सी मिस्टर मुकेश तिलारी हियर. आई जस्ट थैंक यू फॉर एवरीथिंग माय डियर फ्रेंड मुकेश. मैं ये जीवन में आपका एक जितना बड़ा उपकार हो कभी बुलाया नहीं जा सकता. इवन नाउ रात को 12 बजे मुझे जरूरत होती होगी तो पहला कॉल मुकेश के पास जाता है और मैं सो जाता हूँ, वो जगते रह जाते हैं. वट एवर ही आस्क्स मी ही विल डू दैट. थैंक यू. और अभी नाउ वी आर डूइंग वंडरफुल. बहुत अच्छा सब कुछ हो चुका है और आप लोगों के आशीर्वाद से आपका बहुत सारा जीवन का मेरे आभार है. जो जिस तरह से हमने शुरुआत करी थी और जहाँ तक आप मंजिल पहुँच चुकी हैं, इट्स गोइंग टू टेक नाउ स्टार्ट.